हेलो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू परवल की सब्जी रेसिपी ये सब्जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी बहुत ही कम मसालों में बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी बन के सब्जी हमारी तैयार होगी आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टमाटर लिया हुआ है टमाटर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मैंने परवल लिए हुए हैं आलू लिए हुए हैं आलू परवल को भी मैंने काट लिया है कुटी हुई अदरक लहसुन ली हुई है एक मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है आप जो भी तेल खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हो और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है प्याज को हम गोल्डन होने तक भून लेंगे यहाँ पर प्याज भी हमारा हो गया अच्छी तरह से और अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और लगभग एक मिनट तक जीरा को भी हम पका लेंगे चलाते हुए भून लेंगे और यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन कुटी हुई डाल देंगे इसको भी हम लगभग एक मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारी अदरक लहसुन जो है अच्छी तरह से पक जाए और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया अच्छी तरह से है और इसमें हम टमाटर डाल देंगे कटे हुए टमाटर को डालने के बाद में अब इसमें हम नमक डाल देंगे और टमाटर को हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते तब तक हम इसको पकाते रहेंगे चलाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसमें हम मसाले डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद में मसालों को डालने के बाद में अब हम इसको लगभग एक मिनट तक भूनेंगे मसालों को ज़्यादा नहीं भूनेंगे सूखे मसाले हमारे जलने लगते हैं इसमें हम सब्ज़ी डाल देंगे आलू परवल की और इसको भी हम लगभग पाँच मिनट तक मीडियम गैस पर चलाते हुए भून लेंगे ताकि सब्ज़ी जो हमारी अच्छी तरह से भून जाए यहाँ पर मैंने लगभग सब्ज़ी को पाँच मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लिया है और इसमें अब हम पानी डाल देंगे यहाँ पर सब्ज़ी को पकाने के लिए मैंने लगभग डेढ़ गिलास पानी का यूज़ किया है और अब हम इसको ढक देंगे सब्ज़ी को मीडियम गैस पर इसको पकने देंगे यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था और अब खोल कर चेक करते हैं कि पकी है कि नहीं सब्जी हमारी यहाँ पर अभी पकी नहीं है और इसको हम दोबारा से चेक करके ढक देंगे ताकि सब्जी हमारी पक जाए अभी सब्जी हमारी आलू जो है अभी पके नहीं है दोबारा से इसको ढक देंगे यहाँ पर सब्जी हमारी पक चुकी है आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताना और अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना